है बस अपने आप को ना, हमारे पेट को तुम्हारा ही अचार आया, तुमने बोला। ये हमारा अचार देखो खूबसूरत बन गया है। बाजार से 6-6 रियाल 10-10 रियाल की बोतलें खरीद करके हम पागल हो गए हैं। तो जिसको ये रेसिपी अच्छी लगी है लाइक कीजिए, शेयर। ऑयल इसमें इसलिए नहीं डाला, क्यों? क्योंकि ये डाइट फ्री है, ये कोई भी खा सकता है। ज्यादा तेल डाल के क्या करना है, क्योंकि सालों भर चढ़ाना है, 2-4 महीने निकल जाए काफी है, फिर बना लो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। जो होस्ट सन एंड यू वॉचिंग कतर व्लॉग। तो फ्रेंड्स, आज हम सूख आए हुए हैं। जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज हमने आम के अचार की रेसिपी बनानी है। उस वजह से मुझे थोड़ा सामान लेना था, इसलिए घर के पास था सूख, तो आई थॉट ऑफ लाइक गोइंग एंड परचेजिंग इट। पर यहाँ के यार, सच्ची में घर जाने का मन नहीं कर रहा है यार, मैं क्या बताऊँ। इतना मस्त मौसम है, मतलब ठंड लग रही है लिटरली, और हल्की हल्की बारिश हो रही है। मेरे पास अगर थोड़ा और टाइम होता ना, मेरा मन करता है यहाँ ही बैठी रहूँ। आप बोलने से ज़्यादा ना आपको मैं दिखाती हूँ, देखो कितना सेक्सी मौसम हुआ। बट सीरियसली इट्स लाइक यू नो, ओ माई गॉड, इट्स सो रिलैक्सिंग। पर क्या करूँ, घर पे आम का अचार धोके आई थी, नहीं बनाया तो मुश्किल है। तो चलो घर चलते हैं और बनाते हैं। और क्योंकि हमारा अचार कितना है, इस ये पूरा भर के है, ठीक है, मतलब इसके क्वान्टिटी वाइज होगा, है ना। कितने चमचे? दो स्पून है, ये एक स्पून है, ये छोटे वाले स्पून से दो स्पून, कड़वा लगेगा, ज़्यादा डालोगे आप तो। दो स्पून सौंफ डालिए, ये डाले, ओके, अभी चाहिए कोरिएंडर? नहीं अभी नहीं, बाद में दे देना तोड़ के। जीरा कितना डाला? दो स्पून मान लो, नरम पड़ रहे हैं जीरा। कड़छी भी दिखाते हैं, बहुत पुरानी है कढ़ाई, कोई नहीं। ये कितने चम्मच होते हैं? ये अंदाज का 50 ग्राम। ओके, काली राई को करके भून के उसका छिलका उतार दो, फिर यही हो जाते। पर मैं इस बार यही वाली लाई हूँ मिक्सी में। आप रुको, अभी पता नहीं सरसों मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल। नो, तेरी शक्ल दिखा दो। नो, अब तूने इसमें क्या किया, सरसों को पीस लिया, ठीक है, और उसके बाद सौंफ, जीरा, मेथरे, है ना, और जीरा, इसको मिक्स करके अब इसको ग्राइंड करेगी इसमें, ठीक है। और एक तरफ तेल रख दिया गर्म होने को। इसमें हम ये मसाले डाल दूंगे, राई, राई ग्राइंड, फिर जीरा सौंफ और मेथरे का पाउडर, ठीक है। तेल ज्यादा गर्म करना है या ठंडा होने का वेट करना है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हल्का सा गर्म, हल्का सा, मतलब जो गर्म ला के रखा है अपने गैस से उसी में थोड़ा ये भून जाएगा, ठीक है। मैंने ऐसे ही रखा है, थोड़ा होने दो इसको, उसके बाद अपन इसमें नमक मिर्च मसाले मिला देते हैं, ठीक है। लाल मिर्च, हल्दी, नमक कितना, 2 चम्मच डाला अभी, क्योंकि अच्छा 1.5 चम्मच, क्योंकि हमारा अचार कितना है, इस ये पूरा भर के है, ठीक है, मतलब इसके क्वांटिटी वाइज होगा, है ना। अब ये वाला मत बताओ, पिकल पाउडर है, नहीं दुनिया में तो मिलता नहीं है। ये पिकल पाउडर डाल लो, ये वाला। अब शक्ल तो दिखाओ, ईस्टर्न का पीकल पाउडर, नहीं होगा तो आप महाराष्ट्र जा सकते हैं खरीदने। ये यहीं से लिए, ऐसे अंदाज से 1-2 स्पून, जो कुछ अल्लड़ बल्लड़ भी होते हैं तो उनको मिक्स हो जाता है, पता चले 4-5 चमचे डाल दिए, थोड़े से स्पाइसी लग रहा है। चार में नमक और हल्दी डाल के हमने रख दिया, और उसको फिर हम मिक्स करना है ना। अभी जो पानी है नीचे ये फेंक दो, कर लीजिए। ये 4 किलो होगा जो मैं लाई थी, 2 किलो क्या बताया, 1.5 किलो होगा, क्योंकि इसमें से आधा ये भी तो निकला है जो मीठा बनाएंगे। मैंने आपको बोला था गुड़ नहीं है मेरे पास, शक्कर डालू उसमें, मुझे नहीं पता कैसे बनेगा गुड़ नहीं। ये हमारा अचार देखो खूबसूरत बन गया है। बाजार से 6-6 रियाल 10-10 रियाल की बोतलें खरीद करके हम पागल हो गए हैं। तो जिसको ये रेसिपी अच्छी लगी है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और फिर देखने के लिए इसी चैनल पे आइए वापस, एंटरटेनमेंट के साथ साथ
और खट्टी मीठी रेसिपीज और नोक झोंक मिलेगी। चलो ओके सी यू। थोड़ा हिंग डालना भूल गई हूँ। ये अल्लर बल्लर खुद ही है। को फ्रिज में आप स्टोर करके रख सकते हो। ये कांच के भी अचार है। कांच के ग्लास कंटेनर में भर के आप इसको रख सकते हो स्टोर करके और खा सकते हो आराम से। ऑयल इसमें इसलिए नहीं डाला, क्यों? क्योंकि ये डाइट फ्री है, ये कोई भी खा सकता है। ज्यादा तेल डाल के क्या करना है, क्योंकि सालों भर चढ़ाना है, दो चार महीने निकल जाए काफी है, फिर बना लो। ये मीठा वाला बना रहे हैं ना। ये मेथी दाना थोड़ा सा डाला है, ठीक है। सरसों का ऑयल डाल दिया है, ये जो हमने गर्म करके पहले रखा था वही है। ये ऐसा कुछ नहीं, कोई भी ले सकते हैं। अब कितना मुझे दिखाओ इसमें। एक सेकंड। ये राई, ये थोड़ा सा जीरा और ये एक स्पून जीरा एक स्पून राई ये वाला भी इसमें डालना नहीं, मैं डाल दूँ कोई बोलू तो खट्ट मीठा ना बन जाए, कुछ नहीं हो रहा। ये बड़े बड़े तो डाल दी थी मैंने मेरे इसमें। अच्छा, ये फास्ट सर्विस वाली है हमारी रेसिपी है, क्योंकि मैडम का भी पालक पनीर बनना रहता है। पालक पनीर देखो आ गया है, पति देव का फोन आ चुका है। लो अब इसमें क्या डालना है, इसमें थोड़ा सा लहसुन के बाद हींग डालिए, ठीक है। हाँ, इसमें थोड़ी हल्दी, फिर लाल मिर्च, ये एक स्पून, ये कश्मीरी लाल मिर्च है, हाफ, ठीक है, स्पून लाल मिर्ची, नमक, एक चम्मच नमक भर के मिक्स करिए। उसके बाद ये वाला जो आम जो थोड़ा सा पिलपिला हो चुका है उसको इसमें डालिए। ये मीठा अचार बना रहे हैं हम, है ना। बताओ कतर में अचारों की रेसिपी, किसी भी बुकिंग करनी है तो प्लीज कॉन्टैक्ट होममेड पिकल्स। बस इसमें अभी इसको पकने, जैसे सब्जी बनाते ना वैसे इस पे गैस पे रख देना और इसमें गुड़ डाल देना, इतना कितना डालो, इतना चीनी भी डाल सकते हैं, चीनी डाल दो मेरी भर के, डाल दो खाते में अच्छा बनेगा, मीठा मतलब मीठा था, गुड़ का थोड़ा अलग स्वाद। ये है शुगर, बस शुगर डालनी है, थोड़ा खट्टा लगेगा और डाल देना। अच्छा, फिर पकाना है इसको, इसको पकाना ना कितनी देर, ठीक है, इसी में डाल देना, इसमें ले जाती हूँ। और ये थोड़ा चार का जो मसाला हमने पीसा था, सौंफ, मेथरी और जीरा, उसको डाल दिया। इसमें तो ये पिकल पाउडर डाल सकते, नहीं बस। और मेन तो यही है कि सौंफ, राई, मेथरी और जीरा और उसको भून के पीसना है ना, बाकी तो घर के मसाले होते हैं। बस हो गया ये।